मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्य पर समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एसटी एससी वर्ग को विभिन्न प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभों और अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2019, 2020 और 2021 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। साथ ही अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2019, 2020 और 2021 में स्वीकृत राहत राशि की भी समीक्षा की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। ये बैठक इसकी अध्यक्षता खुद सीएम भूपेश बघेल ने की और इस दौरान जिला कलेक्टरों को काफी अहम निर्देश दिए गए हैं। समय पर समीक्षा बैठक करने के निर्देश जो है जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रकरण जो है 2019, 20 और 21 के, उन पर जो प्रकरण है उनको निराकरण की समीक्षा भी की गई है। ये भी इस दौरान इस बैठक में अहम जानकारी मिली। जरा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल सीएम की अध्यक्षता में ये जो एससी एसटी वर्ग को लेकर बैठक हुई, अधिनियम को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? एसटी एससी और एससी अधिनियम की जो बैठक है 1989 के प्रावधान के तहत ये जो पूरे प्रकरण है इसकी शीघ्रता से निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की जो राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की ये जो पूरी जो तमाम बैठक है ये हुई, इसमें मुख्य रूप से सचिव चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन सिंह जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। तो वहीं मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और जितने जनजातीय और आदिम जाति विकास से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इसमें मौजूद रहे। मोहम्मद अकबर भी इस पूरी बैठक में मौजूद थे। तो इसमें इस अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की जो बैठक थी बल्कि उसमें भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता थी। तो बैठक में जो पूरे मामले हैं उनके निपटारे पे जो है वो महत्वपूर्ण ध्यान दिया जो गया है वो वही है। 2019, 20 और 21 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा इस बैठक में की। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।